एक नई चीज को आप लेकर आने के प्रयास कर रहे हैं, क्या है वो चीज और क्या बदलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मीडिया की आपकी पूरी टीम को नमस्कार। और जहाँ तक बात है, नई चीज़ नहीं है, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हम सनातन से हैं और सनातन जो है वो विश्व विख्यात संस्कृति है, जिसको स्टार्ट से, जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में हम नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं, धर्म के नाम पे पाखंड ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग देखिए, हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन माटी और ज़मीनी स्तर हमारा और हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है। कितना भी कुछ हुआ, जितने अंग्रेज आए हमको, कितने मुगल आए, सब कुछ किए, लास्ट में सब कुछ लेके गए लेकिन हमारी संस्कृति को लेके नहीं गया। तो उसी का एक हम लोग ने एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके उसको करें। और एक भगवत नाम संकीर्तन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि अभी के डेट में इसका आरंभ 18 तारीख को हो रहा है, जो कि बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण, उसमें एक जगह आता है बगहा। बगहा में हम लोग एक चंडी स्थान करके एक बहुत दिव्य मंदिर है, वहीं पे हम लोग इसको कर रहे हैं। अभी के डेट में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। इसके मुख्य अतिथि दशरथ गद्दी के महंत जो श्री बाबा ब्रजमोहन दास जी महाराज हैं, और भी बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए संत लोगों को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है, और एक धर्म समागम जिसको बोलते हैं ना, उसको कराने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम तत्काल अभी हम जो स्टार्ट किए हैं, ये 3 दिन का है, 17, 18 और 19। 18 से हम रामधुन स्टार्ट करवा रहे हैं, 19 को जागरण का प्रोग्राम करवा रहे हैं, और प्लस इसके साथ भंडारे का प्रोग्राम। मतलब प्रॉपर एक जो हमारी पहले जो संस्कृति थी, जिसमें आस्था से जुड़ी सारी चीज़ें रहती थी, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की। तो जागरूक करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भंडारा वगैरह और महापूजा वगैरह तो होते रहती है जी, तो इसको और लोगों को जागरूक कर सके वो किस तरह? देखिए, धर्म के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत नहीं, जिज्ञासा सबके अंदर होती है। दिक्कत यहाँ आके फंस जाती है ना, कि हम उसको ना अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं, या अपने जिज्ञासा को एक्टिव नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो एक ये संत समागम जो है ना, संतों को एक जगह इकट्ठा करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना, ये हमारा मेन फोकस है। कि हमारा जो संस्कृति, हमारी जो ओरिजिनल अभी तक की जो संस्कृति है, उस वो जो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, उसको हम लोग जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है ना बना के रिप्रेजेंट करें, लोगों के दिलों तक जाएं। और अभी तो अपना देश क्या, अगर ईश्वर ने चाहा और ऐसे ही सब कुछ अच्छा रहा, तो हम देशों विदेशों में भी जाके धर्म का प्रचार अपनी संस्था के थ्रू करेंगे, जो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यूथ जो है हमारा, आप भी यूथ हैं, और यूथ जो हमारा है वो भटका हुआ है अपने रास्ते से, जी जी जी, तो उन सबको भी इस तरीके का अवेयरनेस लाना, उनके अंदर ये सब देशभक्ति या कल्चर या संस्कार अपना वापस दोहराना, लाना उनके अंदर, कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, जैसे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही हमको चलने के लिए और हमारी संस्कृति जरूरी है। भारत की एक ही चीज़, जिस जब भारत आर्यावर्त हुआ करता था ना, उस समय से एक ही चीज़ बड़ी मशहूर है, हमारी संस्कृति, और उसी को हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं। हम फॉरेन कल्चर को लेके इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को ना एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोगों की बस, मतलब मेरी और मेरी टीम की एक ही सोच है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धर्म का प्रचार करें। और देखिए, अनुष्ठान और भगवत नाम संकीर्तन जो होता है ना, ये एक साक्षात ईश्वर के मुंह से निकली हुई गंगा है, जिसको सुनने स्वर स्मरण मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। हाँ, एकदम, हाँ, पूरा एकदम मंडली जो भी आ रही है, सब बाहर की मंडली है, पूरे झांकी का प्रोग्राम, मतलब हमारी जो पूरी सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है ना, हम उसको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी किस मठ से आते हैं और क्या? बाबा जी जो हैं वो अयोध्या से हैं, दशरथ गद्दी बहुत मशहूर गद्दी रही है, दशरथ गद्दी, और कुछ दिन पहले बाबा जी ने राम मंदिर निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और बहुत जनप्रिय हैं, लोगों के बहुत प्रिय हैं, जो हमारे महंत जी हैं, और उन्होंने लिखित रूप से हमको दिया है कि हमारे, और बड़ा प्यारा और स्नेह उनका बहुत अच्छा है हम लोग के टीम के प्रति, और उनका सहयोग भी बहुत अच्छा है। पश्चिमी चंपारण को ही क्यों चुना है, और भी कई जगह पर कर सकते थे, तो उसी को क्यों चुना? बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन आपका, क्योंकि मैं पैदा पश्चिमी चंपारण में हुआ हूँ, और मेरी एक मानसिकता है कि जिस माटी से मैं जुड़ा हूँ उसके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। और अभी के डेट में आपने एक चीज़ सुना होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह भी चंपारण से ही शुरू किया था,
अभी जो भी बड़ा काम लोग करने जा रहे हैं चंपारण से ही करें, तो हम भी स्टार्ट चंपारण, जब हम वहीं के हैं, हमको आप रूपी वरदान चंपारण का मिला है, तो हम उसके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी करेंगे इस तरह के? हाँ 100% ऑल ओवर वर्ल्ड करेंगे, आप लोग का सहयोग और जनता का आशीर्वाद और स्नेह रहा तो ऑल ओवर वर्ल्ड करेंगे और हर साल करेंगे, इसमें कहीं डाउट नहीं। अभी इस चीज को 18 और 19 जैसे आप बता रहे हैं जी, इसको सफल बनाने के लिए किस तरह के प्रयास और किस तरह की मेहनत की जा रही है? देखिए इसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कहीं से कोई मिस्टेक करने की कोशिश नहीं की है, और जितने हमारे वॉलंटियर्स जितने हैं, हमारी टीम जितनी है, सारी टीम हमारी एकदम क्या बोलते हैं प्रगढ़ता से लगी हुई है इसके पीछे कि हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफल बनाएं, और जो जनसैलाब है उसको मैनेज करके और अपने तरीके से बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके साथ साथ और कोई संस्था जुड़ेगी आपके साथ, क्योंकि वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ती है, वॉलंटियर्स भीड़ आते हैं तो। जी देखिए वॉलंटियर्स की अभी हमारे पास, मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ, हमारे पास भी वॉलंटियर्स हैं, और जहाँ तक संस्था की बात है तो देखिए हमारी जो संस्था है, हमको किसी से डोनेशन की अभी तत्काल ज़रूरत नहीं है, ये मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने दम पे इसको कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, जब उस लायक चीज़ें बनेंगी तो हम किसी संस्था का हाथ पकड़ेंगे या हम खुद ही एक संस्था बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए देखिए ये तो धर्म का समागम है, और ईश्वर श्रीमद् भागवत जो है, ये कलिकाल जो है हमारा कलयुग है, इसका मोक्ष का सबसे बड़ा वरदान श्रीमद् भागवत को माना जाता है, तो इसमें तो हम उस लायक नहीं है कि किसी संत को आदेश करें, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और जितने संत हमारे जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, जितने लोग हैं ना, सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप आएं, और आप एकदम, हम आपको उतना ही आदर देंगे जितना आदर हम जिसको बुलाए हैं उसको देंगे, क्योंकि हर एक घर घर तक तो अभी हम पहुँच नहीं पाएंगे, और एक मीडिया हमारा बहुत अच्छा माध्यम है कि हम कोशिश करें कि घर घर तक पहुँचें। अच्छा इसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी आप शामिल करेंगे क्या, क्योंकि सफल बनाने के लिए सेलिब्रिटीज का भी सहारा लेना पड़ता है, और जहां आप क्योंकि जुड़े हुए हैं तो क्या इसमें सेलिब्रिटीज नजर आएंगे? बड़ी अच्छी बात कही आपने, जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो हमारे राम है जो साक्षात हमारे साथ चल रहे हैं, इसके बाद देखते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत थैंक यू सो मच।